जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार SSC की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 12वीं पास या इंटर लेवल की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको सारी भर्ती प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन डेट के बारे में। तो इसके लिए आप 27 सितंबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट 11 नवंबर 2023 रखी गई है। बात करें कितने पद पर ये वैकेंसी आई हुई है, तो 11,098 पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा कौन कौन से पद पर आई है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लर्क के हैं 3,927 पद, इंस्पेक्टर के 69 पद हैं, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर जो कि आपका इंस्ट्रक्टर यानी जैसे ITI या आपका पॉलिटेक्निक के जो टीचर होते हैं वो इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की आपके 7 पोस्ट, रेवेन्यू एम्प्लाई की आपके 3,569 पोस्ट हैं, और पंचायत का सिक्योरिटी आप जानते होंगे जब किसी का आवास आवाना होता है ना, तो वही सिक्योरिटी सब करवाता है, तो पंचायत सिक्योरिटी के 3,532 और टाइपिंग क्लर्क के हैं आपके 5। टोटल आपके 1,098 पोस्ट हैं। अगर कैटेगरी वाइज बात करना है तो कैटेगरी में आपका जनरल के 5,064, EBC के 1,864, EWS के 1,090, BC के 1,249, BC महिला के 368 और SC के 1,367, ST के 76, ठीक है। टोटल 11,098 पद आए हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपका ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अदर स्टेट में जो अपने स्टेट में होंगे तो मान चलो वो OBC हैं, तो अगर इसमें अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो जनरल की वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा ही, उसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जनरल, BC, EBC और EWS या अदर स्टेट कैंडिडेट के लगेंगे 540 रुपये, SC, ST या महिला उम्मीदवार के या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के 135 रुपये लगेंगे, ठीक है। बात करें उम्र के बारे में, तो 18 से 37 साल इसकी उम्र है जनरल की, ठीक है ना, 18 से 37 साल जनरल की उम्र है, और महिला में जनरल की उम्र 18 से 40 साल है, ठीक है। पुरुषों में 18 से 37 साल जनरल की उम्र है और महिला में 18 से 40 साल जनरल की उम्र है। इसके अलावा OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले बताया कि 12वीं पास की वैकेंसी है, इंटर लेवल की वैकेंसी है, तो इसके लिए योग्यता केवल आपसे 12वीं पास मांगा जाए, ना तो कोई ITI, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा, सिंपल 12वीं पास। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम पैटर्न में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, GK GS और करंट अफेयर्स और साइंस और मैथ रीजनिंग। 3 विषय आप सॉरी 4 विषय आपके हो गए, GK GS प्लस करंट अफेयर्स, साइंस प्लस मैथ और रीजनिंग। अब इसका ऐसा नहीं बताया गया है कि रीजनिंग के इतने प्रश्न होंगे, मैथ के इतने होंगे, टोटल आपके 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, वो उसी में इंक्लूड कर देंगे। किसी में मान चलो रीजनिंग का उसने 60 प्रश्न दे दिया, या मान चलो मैथ का उसने 70 प्रश्न दे दिया, तो ऐसे ही वो आगे पीछे करके निकालेंगे, लेकिन जो आपके टोटल प्रश्न रहेंगे वो 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका एक जो प्रश्न रहेगा वो 4 अंक का रहेगा। तो 150 15 चौके कितना होता है 60, तो आपके 600 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 150 ही रहेंगे, लेकिन एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा तो आपके 600 अंक हो गए। तो 600 अंक का आपका पेपर होगा। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी जो आपको मिलेगी सिक्योरिटी की मिलेगी आपको 21,700 रुपये इन हैंड सैलरी, प्लस में आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन सभी अलाउंसेस मिला के जैसे TA DA HRA, तो आपकी सैलरी बनेगी सिक्योरिटी की, वो बनेगी 35,000 शुरुआत की, और क्लर्क की जो आपकी पोस्ट है 3,927, इसमें आपकी इन हैंड सैलरी 19,000 कुछ रुपए है। तो इसमें आप जब अलाउंस जुड़े हुए तो इसकी सैलरी बनेगी 32,000, और इंस्ट्रक्टर और इंस्पेक्टर और टाइपिस्ट की जो है ना पोस्ट, इनकी आपकी सैलरी बनेगी 40,000, क्योंकि इसका इन हैंड सैलरी है 25,500 रुपये, और प्लस में से अलाउंस जोड़ोगे तो 40,000 बनते हैं, ठीक है ना। अगर यही जॉब आपकी दिल्ली एरिया में होती तो इसकी सैलरी बनती आपकी 45 से 50 हज़ार, ठीक है ना। तो ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।